हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डू स्टैक। नाउ व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होता है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा को कैसे स्टोर करते हो, आप सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो। सिक्वेंशियल फॉर्म में कैसे होता है? आप एक सिक्वेंस में डेटा को स्टोर कर रहे हो, जैसे आपका ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, देन आपका ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, देन आपका थर्ड एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आप एक सिक्वेंस में डेटा को स्टोर कर रहे हो, राइट? तो स्टैक आपका क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। फाइन, एक के बाद एक डेटा स्टोर होता है। ओके, स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? स्टैक को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है? एक हमारी लिस्ट है जिसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को स्टोर किया है, राइट? लेकिन यहां पे क्या है, आप एलिमेंट को इंसर्ट भी क्या करोगे, टॉप से करोगे, और आप एलिमेंट को डिलीट भी किस कहां से करोगे, टॉप से करोगे, राइट? कॉल द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, अगेन देखो, स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। स्टैक इज लाइक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है? एक लिस्ट है इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड, जिसके अंदर अगर आप एलिमेंट्स को डालते हो, अगर आपने एलिमेंट्स को डाला, ठीक है, तो भी आप कहां से डालोगे, आप उसको टॉप से डालोगे, और अगर आपने डिलीट किया, मतलब आपने एलिमेंट को निकाला, तो भी आप कहाँ से करोगे, टॉप से करोगे। फाइन, देखो, इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो स्टैक क्या है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? स्टैक हमारा लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में डाला है वही सबसे पहले निकल के आएगा, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे देखो, स्टैक ऑफ प्लेट्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आपने फर्स्ट प्लेट ली, देन सेकंड ली, देन थर्ड ली। अगर आपको क्या करना है, आप प्लेट्स को क्या करना है, दोबारा से उठाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे जो आपने सबसे लास्ट में ये जो वाली प्लेट डाली है, ओके, उसी को आप सबसे पहले पिक करोगे, देन सेकंड को पिक करोगे। तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट आपने इस प्लेट में, मतलब जो सबसे लास्ट प्लेट डाली है, उसी प्लेट को आप सबसे पहले बाहर निकालोगे, ओके, या फिर आप उसको सबसे पहले उठाओगे। तो ये क्या है, स्टैक है, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वही सबसे पहले आउट हो जाता है। ऐसे ही आपने देखो, स्टैक ऑफ बुक है ये हमारे पास। इसके अंदर क्या है, अगर आपने एक पाइल बना दिया, 1 2 3 4 करके आप बुक्स डालते गए, लेकिन अगर आपको बुक्स को क्या करना है, निकालना है, तो आप सबसे पहले कौन सी बुक पिक करोगे? आप सबसे पहले जो आपकी सबसे ऊपर है उसको पिक करोगे, देन उससे नीचे वाली पिक करोगे। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली बुक थी वो सबसे बाद में डाली गई है, और उसको सबसे पहले निकाल लिया जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा स्टैक है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। डैट इज द एलिमेंट विच वॉज इंसर्टेड लास्ट विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। तो ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट सबसे बाद में डाला गया है, सबसे बाद में डाला गया, तो सबसे ऊपर होगा वो एलिमेंट, ठीक है, वही सबसे पहले डिलीट होगा। ओके, अब देखो, यहाँ पे देखो, पाइल बना हुआ है बुक का, फाइन, और बुक का पाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश मतलब एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, एंड पॉप मतलब एलिमेंट्स उसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है? अभी मैं इसको बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे हमारा आ गया ऑपरेशंस ऑन स्टैक, कि आप स्टैक पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। टू फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द स्टैक आर पुश एंड पॉप। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस आप स्टैक पर परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, पुश है एंड पॉप है, राइट? नाउ वी हैव पुश, द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश। तो जब आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को स्टैक में डालते हो, ओके, इंसर्शन मीन्स इंसर्ट करते हो एलिमेंट्स को, ओके, कहाँ पर, स्टैक के टॉप पर, तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पुश, राइट? अब यहाँ पे देखो, पहले आपने ए को पुश किया, देन आपने बी को पुश किया, देन सी को पुश किया, देन डी को, अब आप ई को पुश कर रहे हैं, फाइन, मतलब आप एज अ स्टैक उनको क्या कर रहे हो, एक जैसे यहाँ पे देखो, हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर को हमने स्टैक मान लिया, तो अब इसके अंदर जो आप एलिमेंट्स डाल रहे हो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पुश, फाइन। नाउ पॉप, द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। ओके, तो पॉप क्या है, जब आप स्टैक में से एलिमेंट्स को निकालते हो, उनको डिलीट करते हो, उनको रिमूव करते हो। यहाँ पे आपका ये ऑपरेशन देखो, यहाँ आपका जो एलिमेंट ई था, आपने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, पॉप, राइट? पुश करना क्या हो गया, स्टैक में एलिमेंट को डालना, और पॉप करना क्या हो गया, स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करना या स्टैक से एलिमेंट को निकालना। ओके, तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशंस। इसके अलावा भी और ऑपरेशंस होते हैं, लाइक देखो यहाँ पे, अदर स्टैक टर्म्स,
कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हम देखते हैं, पीक, राइट। पीक का क्या मतलब है? गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक वैल्यू एट द टॉप। तो पीक जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है जो स्टैक के टॉप पर वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? पीक, राइट। तो यहाँ पे ई क्या हो गया? पीक। ओके, गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक, जो स्टैक में सबसे रिसेंट वैल्यू है, सबसे रिसेंट वैल्यू जो आपने सबसे रिसेंटली डाली है उसके अंदर इंसर्ट की है, ओके, उसके अंदर पुश की है, राइट, ओके, उस वैल्यू को एक्सेस करना क्या होता है? आपका पीक ऑपरेशन, राइट। नाउ अब हमारे पास एक टर्म है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो क्या है? अ सिचुएशन वेयर वी ट्राई टू पुश एन आइटम, ट्राई टू इंसर्ट एन आइटम इन अ स्टैक दैट इज फुल। ओके, तो ओवरफ्लो क्या है कि आप मान लो आपका स्टैक क्या है? बाउंडेड स्टैक है, उसकी बाउंड्रीज हैं, आपने डिफाइन कर दिया कि इतने ही एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं, राइट, और उतने एलिमेंट्स उसमें आप डाल चुके हो। अब उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डालने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या शो हो जाएगा? ओवरफ्लो। Why? A situation when we try to push an item in a stack that is full, क्योंकि हमारा stack क्या है? Full है, और फिर भी हम उसके अंदर और items डालने की कोशिश करते हैं, तो ये situation क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं overflow. Fine. Now we have underflow. A situation when we try to pop an item और ट्राई टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम अ स्टैक डैट इज़ एम्प्टी। अब अंडरफ्लो देखो, आपके पास क्या है? स्टैक है, दिस इज़ योर स्टैक, लेकिन ये क्या है? एम्प्टी स्टैक है। फाइन, अब देखो जहाँ पे माइनस वन हो जाएगा वो आपका एम्प्टी स्टैक माना जाएगा, राइट, यहाँ पे अब टॉप क्या है? माइनस वन। फाइन, अब इस सिचुएशन में जहाँ पे स्टैक एम्प्टी है फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके अंदर से वैल्यू को पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे? अंडरफ्लो, राइट, वैल्यू नहीं है, एम्प्टी स्टैक है, इवन देन वी आर ट्राइंग टू पॉप एन आइटम फ्रॉम द स्टैक एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो। ओके, ओवरफ्लो क्या हो गया? स्टैक आपका फुल है फिर भी आप वैल्यूज को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सिचुएशन आपकी हो गई ओवरफ्लो। एंड अंडरफ्लो क्या है? स्टैक आपका एम्प्टी है फिर भी आप क्या कोशिश कर रहे हो कि उसमें से आइटम डिलीट हो जाए, तो वो सिचुएशन आपकी क्या हो गई? अंडरफ्लो। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमने एक टर्म यूज़ की थी ओवरफ्लो, राइट, उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। द ओवरफ्लो सिचुएशन अकर्स व्हेन द साइज ऑफ द स्टैक इज फिक्स्ड। ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन कब आएगी? जब आपने अपने स्टैक का साइज फिक्स कर दिया है तो वो उस स्टैक को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड स्टैक, एंड कैन नॉट ग्रो फर्दर। ठीक है, क्योंकि हमने साइज फिक्स कर दिया, और देयर इज नो मेमोरी लेफ्ट टू अकोमोडेट न्यू आइटम्स, या फिर आपके सिस्टम में इतनी मेमोरी नहीं है कि आप और ज़्यादा आइटम्स अपने स्टैक के अंदर डाल सको। ओके, दो सिचुएशंस हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? इन पाइथन फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट सिंस लिस्ट कैन ग्रो। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट हम कितनी भी लंबी बना सकते हैं, राइट, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। फाइन, तो हम यहाँ पे स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? स्टैक को हम लिस्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे स्टैक क्या है? स्टैक इज लाइक अ लिस्ट, राइट, तो ओवरफ्लो कंडीशन डजंट अराइज अंटिल ऑल द मेमोरी इज एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे जो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है वो कभी भी नहीं आती जब तक कि आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। फाइन, तो पाइथन में क्या है? ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती है। ओके, वेरी रेयर होगा कि अगर आपकी मेमोरी नहीं बची है, उस केस में आपका क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। फाइन, तो अब जो हमने किया है पुश पॉप एंड ऑल दिस ऑपरेशन, हम इसको क्या करते हैं? प्रैक्टिकली करते हैं। फाइन, ओके, तो लेट अस ओपन आर आइडियली। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ओके, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है? आप क्या करते हो? आपको डिफरेंट, आपको एक टाइप का मेन्यू दिया जाता है। ठीक है, मेन्यू मीन्स आपको चॉइसेस दी जाती हैं, और चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपने प्रोग्राम को रन कराते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक। ओके, ओके, यहाँ पे हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं टू इम्प्लीमेंट स्टैक। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एम्प्टी स्टैक। फाइन, एक हमने एम्प्टी स्टैक बना दिया, राइट, ओके, एम्प्टी स्टैक कैसे बन गया? यहाँ पे देखो ये एम्प्टी लिस्ट है। ओके, तो इससे हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब आप इसको एस ले लो या स्टैक ले लो, पूरा फुल ये वेरिएबल नेम है जिसको मैंने स्टैक एज अ स्टैक कंसीडर कर दिया है। ठीक है,
आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे कमेंट में लिख दो स्टैक, राइट, एम्प्टी स्टैक, नो स्टैक, ओनली एम्प्टी स्टैक लिख देते हैं, एम्प्टी स्टैक, राइट। ये आपका क्या बन गया, एम्प्टी स्टैक, ओके फाइन। अब देखो हम अभी हमारे पास एम्प्टी स्टैक है, तो स्टैक का टॉप क्या है, नन है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसको हमने नन से इनिशियलाइज कर दिया टॉप को। अब क्या करते हैं, हम अपना लूप चलाते हैं वाइल ट्रू, राइट, जब तक कि आप क्या कर रहे हो, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तक आपका लूप चलेगा, राइट। और लूप के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपना मेन्यू यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट में दे देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया स्टैक, स्टैक ऑपरेशंस, राइट, स्टैक ऑपरेशंस, देन प्रिंट। फर्स्ट हम क्या देते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन हम कराएंगे इसके अंदर पुश, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑपरेशन हम इसके अंदर दे देते हैं पॉप, ठीक है। पुश मींस आइटम्स को इंसर्ट कराएंगे, पॉप मींस आइटम्स को डिलीट कराएंगे, ओके। प्रिंट, थर्ड हम दे देते हैं पीक। पीक क्या होता है, आपका जो आपका स्टैक है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट ये क्या करेगा, एक्सेस करके आपको देगा, मतलब जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा उसको ये शो करेगा। नाउ प्रिंट। अब फोर्थ में हम दे देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टैक, ठीक है, हमारा स्टैक डिस्प्ले हो जाए, फाइन। एंड लास्ट आपने दे दिया प्रिंट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट, ओके, नाउ ये हमने दे दिया एग्जिट, एग्जिट मतलब प्रोग्राम अब आपका फिनिश हो गया, नाउ यू कैन लीव, ओके। अब देखो मैंने प्रिंट में क्या दिया, प्रॉम्प्ट में मेरा ये पूरा मेन्यू आ जाएगा, स्टैक ऑपरेशन, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, स्टैक एंड एग्जिट। अब मेरे को क्या करना है, मुझे अब यूज़र से एंटर कराना है, कौन सी चॉइस है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है या 5 है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यूज़र से एंटर कराऊँगी। और मैंने क्या किया, सी एच क्या लिया, वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर मैं यूज़र से एंटर करवा रही हूँ क्या, उसकी चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करा देंगे, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, आप अपनी चॉइस एंटर करो, ठीक है, कि आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने इंट क्यों लगाया है, क्योंकि जो मैं चॉइस एंटर कराऊंगी वो किस में कराऊंगी, नंबर में कराऊंगी, 1 2 3 4 5 इसमें, ठीक है। नंबर 1 है तो पुश ऑपरेशन हो, नंबर 2 है तो पॉप हो, नंबर 3 हो तो पीक हो, इस टाइप से, ओके। अब देखो मैंने अब कर दिया, इफ मेरी चॉइस क्या है, मेरी चॉइस है 1, राइट, अगर मेरी चॉइस 1 है, राइट, तो मैं 1 चॉइस पे क्या है, मेरे को आइटम को पुश करना है, और आइटम को पुश करना है तो मैं क्या करूँगी, आइटम को एंटर कराऊँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आइटम इक्वल्स टू इंट, वो आइटम हम किससे लेंगे, हम यूज़र से लेंगे, यूज़र एंटर करेगा इनपुट, ओके। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर आइटम टू पुश, ठीक है, आपने आइटम जो भी डालना है वो आपने पुश करा दिया, फाइन, ओके। अब पुश कराने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉल किया पुश को, अभी देखो पुश फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पुश फंक्शन बना लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, फाइन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुश फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं, डेफ पुश, पुश फंक्शन बनाया, राइट। और देखो पुश फंक्शन में आप क्या करोगे, आप दो पैरामीटर्स पास करोगे, एक तो एम्प्टी स्टैक, ओके, और आइटम जो आप स्टैक के अंदर डालना चाहते हो, वो आइटम हम किससे ले रहे हैं, हम यूज़र से ले रहे हैं, फाइन, ये दोनों ले लिया हमने।
अब देखो यहाँ पे क्या है, हम जो स्टैक है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम एज अ स्टिक एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जितने भी आइटम हैं वन बाय वन प्रीवियस आइटम के साथ जुड़ते चले जाएंगे, अपेंड होते चले जाएंगे, ठीक है। अपेंड आइटम, ओके। तो देखो ये वाला आइटम की वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन कॉल के थ्रू, वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और वो स्टैक में जाके जो आपका एम्प्टी स्टैक है उसमें जाके वो अपेंड हो जाएगी, राइट, ओके। अब देखो हमने ये दे दिया और अब कर देंगे टॉप। टॉप हमारा क्या होता है, टॉप हमारा होता है लेंथ ऑफ आपका स्टैक, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, ठीक है। देखो स्टैक जैसे स्टैक है आपका, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, रुको एक मिनट, ये जैसे आपका स्टैक है, दिस इज योर स्टैक, इसको मैं, दिस इज योर स्टैक, फाइन। अब देखो इसके अंदर, ओहो ये क्या हो गया, हाँ इसके अंदर जो आइटम्स हैं, ये हमारा स्टैक है, मान लो ये हमारा स्टैक है, इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो क्या, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है उसकी इंडेक्स वैल्यू, राइट, ओके। तो अगर आप क्या करते हो, लेंथ ऑफ स्टैक, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टैक क्या है, 4 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है टॉप एलिमेंट कहाँ है, तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, तो 3 आएगा, 4 एलिमेंट्स हैं, ओके, उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपका टॉप एलिमेंट आ जाएगा, फाइन, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो आपका 3 इंडेक्स पर है, ओके, फाइन। नाउ कम बैक टू द प्रोग्राम, हाँ तो मैंने यहाँ पे स्टैक की क्या कर दिया, टॉप एलिमेंट कहाँ पर है मेरा, लेंथ ऑफ स्टैक, मान लो मेरा स्टैक में 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 to 4, तो मेरा टॉप एलिमेंट कहाँ पे होगा, 4th इंडेक्स पर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, फाइन, ओके। अब मैंने क्या करा दिया, मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देती हूँ अपने स्टैक को, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये स्टैक हमारा बन गया है, ओके, प्रिंट करा दिया है। अब देखो अब हम नीचे अपने यहाँ पे चलते हैं मेन्यू पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से आइटम एंटर करा दिया, फाइन। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कॉल कर दूँगी पुश फंक्शन को, जो हमने ऊपर क्रिएट किया है पुश, उसमें हम पास कर देंगे एम्प्टी स्टैक, ओके, एंड आइटम की वैल्यू, फाइन। एम्प्टी स्टैक और आइटम की वैल्यू हमारी कहाँ चली जाएंगी, ऊपर देखो यहाँ पे आपकी एम्प्टी स्टैक चला जाएगा, और जो आप यूज़र से आइटम एंटर करा रहे हो वो यहाँ चला जाएगा, उसके बाद आपका स्टैक के अंदर वो आइटम्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने टॉप आइटम निकाल दिया है, टॉप आइटम मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं तो जो टॉप एलिमेंट कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो वो 4th इंडेक्स पे होगा, फाइन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वन किया है, ओके। तो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट चॉइस अपनी बना ली है, ओके। अब देखो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हमारा पुश था, अब हम जाएंगे सेकंड चॉइस पर, फाइन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एलिफ अगर हमारी चॉइस क्या है, 2 है, फाइन। पहले हमने पुश के लिए कोडिंग कर ली है, अपना फंक्शन बना लिया है और फंक्शन को कॉल भी कर लिया है, ओके, लेकिन अगर हमारी चॉइस क्या है, 2 है, पॉप है, फाइन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, पॉप, और पॉप के अंदर फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो आप एम्प्टी स्टैक वहाँ पे सेंड करोगे, ठीक है, एम्प्टी स्टैक आप यहाँ पे सेंड करोगे। अब देखो अब पॉप फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन पॉप फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है, हम पॉप फंक्शन को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फंक्शन आपको क्या बनाना है, आपको फंक्शन बनाना है इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है। उसमें आप क्या डिफाइन करोगे कि आपका, देखो हम पॉप कर रहे हैं, हम पॉप करते टाइम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये भी तो देखना है क्या आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, आप पॉप तो कर रहे हो, अगर एम्प्टी होगा तो आप कैसे निकाल पाओगे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया इज एम्प्टी, और उसके अंदर अब आपने क्या किया, स्टैक को पास कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो पॉप फंक्शन से पहले हमने फंक्शन क्रिएट किया है इज एम्प्टी फंक्शन, जिसमें हम पता लगाएंगे कि हमारा क्या स्टैक
एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम इसमें लेते हैं इफ लेंथ ऑफ स्टैक, क्या जो स्टैक की लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो जीरो के इक्वल तो नहीं है, राइट। अगर वो जीरो के इक्वल है तो क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाए आपका ट्रू। ट्रू मतलब आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एज, और अगर नहीं है जीरो के इक्वल तो क्या रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न हो जाए फॉल्स। समझ आया, अगर आपका स्टैक में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो एलिमेंट्स हैं, मतलब नहीं है उसके अंदर एलिमेंट्स, तो रिटर्न हो जाए ट्रू। ट्रू का मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है। और अगर ट्रू रिजल्ट, और अगर ट्रू नहीं है मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो क्या रिटर्न हो जाए, फॉल्स हो जाए, राइट। इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे हमने पुश अपना क्रिएट किया था, राइट। अब पुश के बाद हम क्या करते हैं, पुश के बाद हम अपना बनाते हैं पॉप, राइट। डेफ, ठीक है। और मैंने नीचे अपना फंक्शन का नाम क्या लिया है, पॉप। ये नहीं है कि आपको पुश पॉप यही देने हैं, आपने फंक्शन नेम जो लेना चाहो आप वो ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ये लिया, तो इसी नेम से मैं फंक्शन ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको कॉल कर दिया पॉप एस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी नेम से मैं ऊपर फंक्शन बनाऊंगी, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया पॉप, हमारा फंक्शन बन गया पॉप, और उसमें हमारा आ गया एम्प्टी स्टैक, ठीक है। एम्प्टी स्टैक की वैल्यू हमने फंक्शन कॉल से पास की है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने ऊपर इज एम्प्टी फंक्शन बनाया था उसका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इफ इज एम्प्टी, एम्प्टी स्टैक, ठीक है। ऐसा हमारा क्या स्टैक है, ठीक है। अगर क्या है, आपका स्टैक एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे दे देंगे प्रिंट हो जाए, प्रिंट क्या हो जाए, स्टेटमेंट स्टैक इज एम्प्टी, ओके, स्टैक इज एम्प्टी, ओके, प्रिंट करवा दिया हमने। एल्स, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से आइटम को पॉप कराएंगे, डिलीट कराएंगे, बाहर निकलवाएंगे, ठीक है। तो हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट, एलिमेंट इज राइट एस डॉट POP, पॉप फंक्शन का आप यूज करोगे, और पॉप फंक्शन क्या करेगा, हमेशा ही आपका कौन सा आइटम डिलीट करेगा, टॉप वाला आइटम डिलीट करेगा जो लिस्ट के टॉप में होगा। लीफो है ना ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होगा वो आपका डिलीट होके आ जाएगा, फाइन। तो हमने चॉइस टू भी कर ली है यहाँ पे, ठीक है, चॉइस टू आपने कर ली। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, चॉइस थ्री की तरफ जाते हैं। चॉइस थ्री हमारी क्या है, चॉइस थ्री है हमारी पीक, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, एलिफ, एलिफ अगर हमारी चॉइस क्या है, थ्री है, ओके, हम क्या करना चाहते हैं, पीक ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम किसको कॉल कर लेते हैं, अपना एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर, पीक फंक्शन, यहाँ से हम उसको पहले यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, उसमें एम्प्टी स्टैक पास कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने पीक एक फंक्शन है उसको कॉल किया, लेकिन अभी उसको ऊपर बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर बनाते हैं पीक फंक्शन को, ठीक है। तो पीक फंक्शन को हम ऊपर बनाते हैं, तभी तो ये कॉल होगा। तो पॉप के बाद मैंने यहाँ पे डेफ, थोड़ा सा इसको पकड़ लेते हैं, हाँ, डेफ पीक, पीक फंक्शन, और इसमें हमारा क्या पास, नीचे से हमने क्या पास किया था, एम्प्टी स्टैक, राइट, उसकी वैल्यू इसके अंदर है, ओके। अब पीक में भी अगेन हमने क्या किया है, एम्प्टी फंक्शन बना रखा है इज एम्प्टी, तो टॉप एलिमेंट तो तभी दिखाएगा ना अगर वो एम्प्टी नहीं है। तो हम फिर से पूछ लेते हैं इससे, अगर इफ एम्प्टी स्टैक, अगर देखो आपका क्या है, एम्प्टी है, ओके, अगर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए स्टैक इज एम्प्टी,
फाइन। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है फाइन, तो क्या हो जाए, आपके पास टॉप एलिमेंट आ जाए। तो टॉप एलिमेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन। ये इससे आपका क्या निकलता है, आपका टॉप एलिमेंट निकलता है। मैंने अभी आपको बताया, मान लो आपके पास फाइव एलिमेंट्स हैं तो लेंथ क्या होगी, फाइव। लेकिन जो टॉप एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा, वो फोर्थ इंडेक्स पे होगा। तो आप वो कैसे निकलेगा, जब हम लेंथ में से वन माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैक कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, इंडेक्स उसके अंदर कैसे वैल्यूज होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू थ्री फोर, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉप एलिमेंट ऐसे निकलेगा, फाइन। उसके बाद सिंपल हमें क्या कराना है, अपने टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराना है, एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक इज, ठीक है, एस टॉप, स्टैक का टॉप। सिंपली आपने इसको क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया पीक के अंदर, ठीक है। एलिमेंट आपका क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा, फाइन। तो हमने अपनी थर्ड चॉइस की भी क्या कर ली है, यहाँ पे उसका फंक्शन क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी फोर्थ चॉइस के पास, फाइन। फोर्थ चॉइस हमारी क्या है, फोर्थ चॉइस है हमारी डिस्प्ले स्टैक, डिस्प्ले स्टैक है। फिर हम लेटर का यूज़ करेंगे, एलिफ लेटर का, एलिफ सी एच इक्वल्स टू फोर। अगर हमारी चॉइस क्या है, फोर्थ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेते हैं, मतलब कॉल कर लेते हैं फंक्शन, अभी ऊपर बनाएंगे डिस्प्ले एस। इससे हम ना यहाँ पे एम्प्टी स्टैक को पास कर दिया। देखो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऊपर उसको बना लेते हैं, अभी हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हम देखो डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करते हैं, def display, और हमारा इसमें आ गया empty stack, fine, okay। If अब इसमें भी पूछ लेते हैं, display करने से पहले क्या empty तो नहीं है, is empty। देखो एक बार हमने empty function create किया है, is empty function, और वो बार बार use कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है ना, stack कहीं empty तो नहीं है। अगर है तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए आपका स्टैक इज एम्प्टी, ओके। एल्स, और अगर नहीं है फाइन, तो क्या आ जाए, हमें क्या कराना है, अब हमें अपने स्टैक को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो क्या है, स्टैक में देखो क्या है, मैं आपको यहां से समझाती हूँ। ये मेरी स्लाइड है, करंट स्लाइड, ओके। मैं इसको समझाती हूँ आपको कैसे है। यहाँ पे देखो, ये मान लो मेरा स्टैक है, दिस इज़ माय स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स मैंने कैसे डाले, पहले 10 को डाला, फिर 20 को डाला, फिर 30 को डाला, फिर 40 को डाला, ऐसे डाले हैं, राइट। लेकिन जब स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है, तो स्टैक में पहले 40 बाहर आएगा, पहले आपका 40 बाहर आएगा, देन आपका 30 बाहर आएगा, ठीक है। पहले आपका 40 बाहर आएगा, ठीक है, फिर आपका 30 आएगा, देन आपका 20 आएगा, ओके, देन आपका 10 आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ जैसी लिस्ट, जैसे आपने एलिमेंट डाले हैं, उसके रिवर्स ऑर्डर में आपका स्टैक आएगा, फाइन। अब देखो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया, टॉप, टॉप हमारा निकल के आ जाएगा, टॉप हमारा क्या है, 3, ठीक है। लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस 1, तो हमारा ये निकल के आ गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब हमने लूप लगाया यहाँ पे, वाइल टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक कि टॉप क्या रहता है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा रहता है, तब तक हमारा लूप चलेगा। तो प्रिंट में हमने क्या कर दिया है, एस टॉप, ठीक है, प्रिंट करा देंगे हम टॉप की वैल्यू। तो पहले हमारी 40 आ जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है, देन हमने टॉप माइनस इक्वल्स टू 1, तो टॉप माइनस इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, ठीक है। पहले हमारी टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 3, तो हमारा 40 आ गया। फिर हमारी 1 माइनस हो जाएगा, तो आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ओके। तो आपका सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगी, फिर आपका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगी, तो आपका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं, मेरा यहाँ पर भी वर्क नहीं कर रहा है,
आई होप कि आपको समझ आ गया। आपकी देखो आपने इंसर्ट ऐसे की थी पहले 10, 20, 30, 40, लेकिन आपका स्टैक कैसे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा, 40, 30, पहले 40 निकलेगा 40 आ गया, फिर 30 निकलेगा 30 आ गया, देन 20 तो 20 एंड देन 10 तो 10, ठीक है, ऐसे आपका डिस्प्ले करेगा। ओके ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, टॉप पहले आप अपना टॉप निकाल लो। टॉप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर लिया, वाइल लूप में हमने लगा लिया वाइल टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जब तक कि आपका टॉप किसके इक्वल नहीं हो जाता, जीरो इंडेक्स के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आप प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे एस टॉप, टॉप को मैंने प्रिंट करा दिया, ओके राइट। एंड हमने एक पैरामीटर दे दिया एंड, जिससे हम क्या कर सकें, हम स्पेस दे सकें स्टैक एलिमेंट्स के बीच में, ओके ओके। एंड देन हमने टॉप को कर दिया टॉप इक्वल टू टॉप माइनस वन, सिंपल करके दिखा दिया मैंने, ओके टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन। इसके बाद मैंने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए। प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए दिया कि आपका जो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है और जो आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके बीच में एक लाइन का गैप आ जाए, ठीक है, ओके, जब फंक्शन कॉल होगा, फाइन। तो यहाँ पे हमने अपना डिस्प्ले फंक्शन भी कर लिया है, ओके। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चॉइस के ऊपर, हम फोर्थ चॉइस कर चुके हैं। अब अगर क्या है आपकी चॉइस, क्या है आपकी चॉइस, है एलिफ, एलिफ सी एच आपका क्या है इक्वल्स टू फाइव। अगर आपने क्या किया है, सी एच की वैल्यू दे दी है फाइव, फाइव में हमने क्या दिया एग्जिट, तो आप सिंपली क्या करो, प्रिंट कर दो यहाँ पे एग्जिट प्रोग्राम, फाइन। और हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, क्या होगा आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा आपके प्रोग्राम से। एल्स, और अगर आपकी चॉइस ये नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो प्रिंट इनवैलिड चॉइस, ठीक है, आपने दे दिया स्टेटमेंट इनवैलिड चॉइस, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना है, कंट्रोल एस, फाइन। और जैसे मैं इसका नाम रख देती हूँ स्टैक वन, राइट, इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ वी विल रन आवर प्रोग्राम, ठीक है, आपका आ गया है। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, हम पुश करेंगे अपने स्टैक में एलिमेंट्स को। मैंने वन किया पुश एलिमेंट, टेन ले लिया यहाँ पे, ओके, देखो मैंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है तो इसमें टेन आ गया है फर्स्ट चॉइस, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले कराया हुआ है स्टैक को। एक मिनट में आपको शो करती हूँ, यहाँ पे जो मेरा पुश वाला है उसमें मैंने इसको प्रिंट करवाया हुआ है, तो जितने एलिमेंट्स डालते जाओगे तो वो स्टैक को शो भी करता जाएगा, फाइन। तो हाँ, यहाँ पे मैंने फिर से वन किया और एलिमेंट कर दिया 10 के बाद 20, ठीक है, अब मेरे पास दो एलिमेंट्स का स्टैक बन गया 10, 20 का। मैं फिर से वन करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ डाल देती हूँ 30, देखो अब तीन एलिमेंट्स का स्टैक बन गया 30 का, राइट। एक बार फिर हम लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 40, तो मेरा 40 का बन गया, 5 तक बना लेते हैं, चलो ठीक है, सॉरी चॉइस होगी मेरी 1 और यहाँ पे एलिमेंट मैंने डाल दिया 50, ठीक है। अब देखो मैंने 10, 20, 30, 40, 50 तक डाल दिया, मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है 50 है, तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन करती हूँ, राइट, जो तो मेरा क्या होगा 50 क्या होगा डिलीट होगा, फाइन। तो अब हम पॉप ऑपरेशन करते हैं, मैंने यहाँ पे डाला 2, ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कि देखो डिलीटेड एलिमेंट इज 50 डिलीट हो गया, राइट, क्योंकि 50 क्या था हमारा सबसे ऊपर वाला डेटा था, क्योंकि ये हमारा स्टैक था 10 डाला फिर 20 देन 30 देन 40, 50 हमने सबसे लास्ट में डाला था, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया ना लीफो, राइट। तो हमने पीक पुश एंड पॉप कर दिया है, अब हमारा पीक रहता है। अब देखो पीक पे कौन सा होगा, 40 होगा हमारा टॉप पर, तो हमारा 40 निकल के आएगा क्योंकि 50 तो हमने डिलीट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज 40,
राइट, 40 अब बचा था हमारे पास, 40 आ गया, तो पुश पॉप एंड पीक कर लिया। अब मैं करना चाहती हूँ डिस्प्ले स्टैक, अपने स्टैक को डिस्प्ले, फोर्थ कर दिया, राइट। अब देखो मेरा स्टैक कैसे डिस्प्ले हुआ है, 40, 30, 20 एंड देन 10, राइट, दिस इज माई स्टैक, ये आपका स्टैक डिस्प्ले हो गया। इन द एंड हमने क्या करना है, 5 एग्जिट करना है, प्रेस, तो आपका आ गया एग्जिट प्रोग्राम। ओके, सो हियर वी हैव डन ऑल द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन स्टैक। नाउ वी हैव स्टैक एप्लीकेशंस। ओके, कहाँ कहाँ पे आप स्टैक को यूज़ कर सकते हो, रिवर्सिंग अ लाइन, किसी भी लाइन को अगर आपको रिवर्स करना है, ओके, तो आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो। वी कैन अकम्प्लिश दिस टास्क बाय पुशिंग ईच कैरेक्टर ऑन टू अ स्टैक एज इट इज़ रीड। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको आप यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर रहे हो बाय पुशिंग द कैरेक्टर इनसाइड द स्टैक, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक लंबर लाइन ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स को पुश किया, फर्स्ट आपने फिफ्थ नंबर 5 इसके अंदर डाला, ओके, पुश किया, देन 4, देन 3, देन 2 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैक बन गया है 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का, ओके। व्हेन द लाइन इज फिनिश्ड द कैरेक्टर्स आर देन पॉप्ड ऑफ द स्टैक एंड दे विल कम ऑफ इन द रिवर्स ऑर्डर। अब आप क्या करोगे, अब आप इस स्टैक को एम्प्टी करोगे और जो इसके एलिमेंट्स हैं आप वो दूसरे स्टैक के अंदर डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जाएगा, जो सेकंड स्टैक है उसके अंदर वो क्या जाएगा, 1 जाएगा, ओके। यहाँ पे 1 क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्टैक ही बन गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज थी वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई है, जो लाइन थी इसकी 1, 2, 3, 4, 5 स्टैक की अब वो रिवर्स हो चुकी है, अब वो बन चुकी है 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो यहाँ पे स्टैक की हेल्प से आप लाइन को रिवर्स कर सकते हो, डेटा को रिवर्स कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव नोटेशंस फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द 3 नोटेशंस। किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को आप 3 नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स यूजिंग दिस टेक्स्ट। इनफिक्स नोटेशन, ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। इनफिक्स नोटेशन के अंदर ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, आपके ऑपरेंड्स हैं, एंड प्लस क्या है, आपका ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे देखो इन बिटवीन आए हैं ऑपरेंड्स के, फाइन। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में देखेंगे, एक्स क्या है आपका ऑपरेंड, ओके, देन मल्टीप्लिकेशन का आपका सिंबल है वो क्या है, ऑपरेटर वाई, देन प्लस आपका ऑपरेटर है एंड देन जी। तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जी आपके क्या है, ऑपरेंड्स हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर्स है, ओके। तो इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के इन बिटवीन आते हैं, उनके बीच में आते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्रीफिक्स और पॉलिश नोटेशन। ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर्स आते हैं, राइट, बिफोर द ऑपरेंड्स। यहाँ पे देखो प्लस आया है जी से पहले, ओके, देन आपका मल्टीप्लीकेशन है एंड एक्स एंड वाई है, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन 3, ओके, 3 क्या है आपका ऑपरेंड एंड मल्टीप्लीकेशन आपका क्या है, ऑपरेटर, राइट, देन आपका प्लस है एंड देन 45, ओके। तो यहाँ पे जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो कहाँ आए हैं, वो ऑपरेंड से पहले आए हैं, बिफोर द ऑपरेंड्स, ओके। देन वी हैव पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट, और इसको आप रिवर्स पॉलिश भी कह सकते हो, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स। यहाँ पे ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बाद आते हैं, ओके, यहाँ पे देखो एक्स वाई आपका क्या है, ऑपरेंड एंड देन द मल्टीप्लीकेशन साइन एंड देन जी एंड देन प्लस, राइट, 345 प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स, 345 क्या है, ऑपरेंड, ऑपरेंड के बाद आए हैं, ओके। सो हेयर वी हैव 3 नोटेशंस, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, एक्सप्रेशन को। आपका इनफिक्स क्या होता है, जहाँ पे ऑपरेटर इन बिटवीन आता है, जैसे आपने लिया ए प्लस बी, राइट, एंड पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटर क्या आता है, आफ्टर द ऑपरेंड, राइट, जैसे ए बी प्लस लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको जो भी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको आपको कम्प्लीटली स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉलो दीज 5 बेसिक रूल्स, और इन पांच रूल्स को आपको फॉलो करना है, ओके। इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस का सिंबल आता है, पुश इट इन टू द स्टैक। उसको कहाँ पे आप डाल दोगे, स्टैक के अंदर, ओके, राइट।
इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड, अगर सिंबल क्या है, कोई ऑपरेंड है, लाइक आपका ए हो गया या बी हो गया, इट गोज डायरेक्टली टू द आउटपुट, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आउटपुट के अंदर. ठीक है, अभी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे. फाइन, तो सबसे पहले क्या था, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा स्टैक के अंदर चला जाएगा, पैरेंथेसिस. ओके, अगर ऑपरेंड आता है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा आपके आउटपुट के अंदर, ये आपका आउटपुट है. ठीक है, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेटर, अगर कोई भी सिंबल है क्या है, वो क्या है, ऑपरेटर है आपका, प्लस माइनस कुछ भी ऑपरेटर है, चेक द ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो उस टाइम पे आपको स्टैक के टॉप पे देखना है कि कौन सा ऑपरेटर है वहां पर. ठीक है, इफ इट इज ऑफ द सेम और हायर ऑर्डर, अगर वो ऑपरेटर सेम या हायर ऑर्डर का है, ठीक है, तो क्या होगा, द ऑपरेटर इज पॉप्ड एंड गोज टू द आउटपुट, ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा. जैसे मान लो ये आपका स्टैक है, राइट, आपका स्टैक है और उसके टॉप पर क्या था, उसके टॉप पर मल्टीप्लीकेशन था, राइट, लेकिन अब सिंबल जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसके अंदर पुश हो रहा है प्लस का, तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वो क्या है, हायर ऑर्डर का है, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका आउटपुट में, मल्टीप्लीकेशन आपका चला जाएगा आउटपुट में, राइट, और प्लस इसके अंदर पॉप, इसके अंदर पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल पॉप हो जाएगा और प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, राइट. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ राइट पैरेंथेसिस, जब राइट पैरेंथेसिस का सिंबल आएगा, पॉप एवरीथिंग अप टू द फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो जहां तक फर्स्ट, जो फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस है वहां तक जितना भी डेटा है वो सारा पॉप होके आउटपुट में चला जाएगा. बट बोथ द पैरेंथेसिस डू नॉट गो टू द आउटपुट, लेकिन ये जो पैरेंथेसिस होते हैं लेफ्ट एंड राइट, ये आउटपुट में नहीं जाते हैं, राइट. इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है, ओके, एक्सप्रेशन का, आपका एक्सप्रेशन का लास्ट एंड हो गया लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक के सारे एलिमेंट्स पॉप कर दो एंड अपेंड द आउटपुट अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, और जितना भी जो भी एलिमेंट्स बचे हैं वो आउटपुट पे चले जाएंगे जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता. ठीक है, ये जो रूल्स है ये हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के टाइम पर फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे हम क्या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं ऑपरेटर्स की, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो आपकी एक्सपोनेंशिएशन की होती है, राइट, इसकी वैल्यू 3 है. इससे जो लोअर होती है वो आपकी है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की, एंड लोएस्ट आपकी है प्लस एंड माइनस की, राइट. तो वी विल फॉलो दीज रूल्स while conversion from infix to the postfix notation. Convert the following infix expression to the postfix expression. यहाँ पे हम infix expression को postfix expression में convert करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपका expression दिया हुआ है, okay, तो सबसे पहले जो symbol scan होगा वो आपका p होगा, right, okay. अब देखो ये p क्या है, p आपका क्या है, operand है. तो रूल क्या था, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड इट गोज डायरेक्टली टू द आउटपुट, वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा, ये आपका आउटपुट है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, राइट. ओके, यहां पे स्टैक में अभी कुछ नहीं आया. नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, राइट. अब ऑपरेटर आता है तो आपको क्या करना होता है, स्टैक का टॉप चेक करना होता है कि उसमें कौन सा ऑपरेटर है, सेम प्रेसिडेंस का है या हायर प्रेसिडेंस का है, लेकिन अभी हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ये स्टैक के अंदर चला जाएगा ऑपरेटर, ओके, और आपका आउटपुट में क्या है, पी है, फाइन. अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या होता है, इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश इट इनटू द स्टैक, डायरेक्टली ये कहां चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा, तो आपका स्टैक में क्या आ जाएगा, प्लस एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओके, और अभी आपकी आउटपुट में क्या है, ओनली पी, फाइन. नेक्स्ट आपका क्या है, क्यू, क्यू क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड डायरेक्टली कहां चला जाएगा, आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, मींस आउटपुट में, ओके, तो यहां पे आपका आएगा प्लस दिस एंड देन यहाँ पे आपका हो गया पी क्यू, राइट, आपका पी क्यू हो गया, राइट. अब नेक्स्ट आपका सिंबल क्या है, नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लीकेशन है आपका, ओके. अब देखो यहाँ पे स्टैक का टॉप चेक किया जाएगा, स्टैक के टॉप पे क्या है, हमारे स्टैक के टॉप पे लेफ्ट पैरेंथेसिस,
फाइन, तो यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ चला जाएगा, स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, स्टैक के टॉप पे चला गया और यहाँ पे आपका क्या है अभी पी क्यू, राइट ओके। नेक्स्ट आपका आर है, ओके आर, आर क्या है ऑपरेंड, ऑपरेंड चला जाएगा डायरेक्टली आपके आउटपुट में, तो ये हमारा स्टैक पे जो सिंबल्स थे वो एज इट इज रहेंगे, ओके एंड यहाँ पे आपका चला जाएगा पी क्यू एंड आर, ओके आपका हो गया पी क्यू आर, राइट ओके। अब नेक्स्ट सिंबल आपका क्या है, माइनस है, ओके नेक्स्ट सिंबल हमारा माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस को लिया, फाइन। अब देखो, अब जब हम स्टैक के टॉप को चेक करेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, राइट, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, ठीक है, माइनस से हाई है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जो ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, राइट वो कहाँ चला जाएगा आपका आउटपुट में, तो अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका आएगा प्लस, ओके लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड माइनस, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन था राइट वो कहाँ चला जाएगा, वो पॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी क्यू आर एंड देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आउटपुट में आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या था आपका, लोअर प्रेसिडेंस का था, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा अगेन क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ओके तो ये कहाँ चला जाएगा, ये स्टैक में चला जाएगा आपका, प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस, ओके एंड आपका यहाँ पे क्या है पी क्यू आर एंड मल्टीप्लीकेशन सिंबल, राइट ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अभी ऊपर इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, एस है, ठीक है एस है आपका, तो यहाँ पे आपका एस आ गया, एस, एस कहाँ जाएगा, डायरेक्टली आपका आउटपुट में जाएगा क्योंकि ऑपरेंड है, ओके तो आपका ये एज इट इज आएगा, ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, राइट और यहाँ पे आपका आ गया पी क्यू आर, ओके इसको भी कॉपी कर लेते, मल्टीप्लीकेशन एंड देन आपका आ गया एस, ठीक है क्योंकि ऑपरेंड क्या है, डायरेक्टली आपका आउटपुट में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका डिवीजन का है, डिवीजन ऑपरेटर है, फाइन डिवीजन ऑपरेटर है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन को लिया, अब हमारा क्या चेक होगा, हमारा स्टैक चेक होगा, तो यहाँ पे देखो स्टैक के टॉप पे क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है इसके टॉप पे आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो हम ये क्या होगा स्टैक के टॉप पे आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल वी, तो स्टैक के टॉप पे अब आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन सिंबल, वो सॉरी डिवीजन सिंबल आ जाएगा, ठीक है डिवीजन आ गया और आपका आउटपुट पी क्यू आर एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ओ इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशन में, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका डिवीजन के बाद है टी, टी आपका ऑपरेंड है, राइट टी ऑपरेंड है, हमने यहाँ पे लिखा टी, टी स्कैन होगा, टी स्कैन होने के बाद आपका स्टैक एज इट इज रहेगा, ठीक है क्योंकि स्टैक में नहीं जाएगा टी, कहाँ जाएगा आपका आउटपुट में, ठीक है तो यहाँ पे देखो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल वी और आपका आ जाएगा यहाँ पर टी, ठीक है यहाँ पे टी आ जाएगा, फाइन। नाउ अब नेक्स्ट सिंबल हम इसका देखेंगे, इसको अब ऊपर करके देखते हैं, टी के बाद क्या है, टी के बाद आपका है एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है एक्सपोनेंशिएशन है राइट, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशिएशन, फाइन। अब क्या होगा, अब स्टैक का टॉप चेक होगा, ठीक है अगर यहाँ पे टॉप पे एक्सपोनेंशिएशन से कोई अबव प्रेसिडेंस का होता तो वो क्या हो जाता, पॉप हो जाता, बट यहाँ पे क्या है डिवीजन है, डिवीजन उससे लोअर प्रेसिडेंस का है, तो ये क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, फाइन। और देखो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है और आपका एक्सपोनेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा, आ गया
ठीक है, डिवीजन नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, इससे लेस प्रेसिडेंस का है, एक्सपोनेंशिएशन से लेस प्रेसिडेंस का है ये, ठीक है। और आपका जो ये था आउटपुट वो एज इट इज रहेगा, कंट्रोल वी, राइट, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल के लिए आप ऊपर जाते हैं इस, और इसके बाद आपका है यू। यू क्या है, आपका ऑपरेंड है, फाइन। तो इसको मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमारा आ गया यू, यू आ गया, यू एज इट इज़ आपका आउटपुट में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टैग को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और ये भी हमारा कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपका ऑपरेंड चला जाएगा यू, ओके। यू चला गया आपका ऑपरेंड। अब हम फिर ऊपर देखेंगे क्या है एक्सप्रेशन में नेक्स्ट। अब है आपका राइट पैरेंथेसिस, ठीक है, राइट पैरेंथेसिस आया है आपका। तो राइट पैरेंथेसिस जब आपका आएगा, ओके, तो जो फर्स्ट आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है वहां तक के सिंबल कहाँ चले जाएंगे, आपके आउटपुट में चले जाएंगे, ठीक है। हमने रूल पढ़ा था कि क्या था, इफ द सिंबल इज ऑफ राइट पैरेंथेसिस पॉप एवरीथिंग अप टू द फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो अब हमारा क्या आया यहाँ पे यू में, देखो यू के बाद हमारा ये क्या है, राइट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस आ गया यहाँ पर, ये हमारा राइट पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। राइट पैरेंथेसिस आने के बाद तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दोनों सिंबल हैं, ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस है ना, यहाँ तक के जो सिंबल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, आउटपुट में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका स्टैक में क्या रह जाएगा, स्टैक में रह जाएगा प्लस दिस एंड माइनस, राइट, और आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल वी, और आपका आउटपुट में आ जाएगा डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों सिंबल चले गए वहां पर, ओके, क्योंकि आपका इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखोगे एक्सपोनेंशिएशन, पहले ये जाएगा ना, ठीक है। तो पहले आपका आएगा एक्सपोनेंशिएशन, फाइन, फिर आपका आएगा डिवीजन, ओके। पहले आपका जो ऊपर एलिमेंट है वो पॉप होगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला पॉप होगा, ठीक है। तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, मींस आउटपुट है, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, राइट, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो यहाँ पे हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका टॉप चेक करेंगे, स्टैक का टॉप चेक करेंगे, ओके। मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है, माइनस क्या है, लोअर है, तो ये स्टैक में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, स्टैक के टॉप पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया है, और आपका ये जो अभी आउटपुट है वो एज इट इज़ है, इसको हमने एज इट इज़ कर दिया, ठीक है, एज इट इज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका वी, वी आपका ऑपरेंड है, तो यहाँ पे हमने वी ले लिया, वी, वी आपका ऑपरेंड है, वी एज इट इज चला जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैक, ये आपका स्टैक है, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपका वी चला गया, वी चला गया डायरेक्टली, ऑपरेंड है ना क्योंकि वी, ठीक है। अब हम देखेंगे अब क्या आएगा, आपका राइट पैरेंथेसिस आ गया, ये जो आपका राइट पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, जो आपका अब लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है, वहाँ तक का पूरा जितना भी डेटा है वो चला जाएगा। तो ये मेरा राइट पैरेंथेसिस आया, राइट पैरेंथेसिस आया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आपके आउटपुट में चले जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे प्लस बच गया, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, जो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस आ गया, ठीक है। और अब आपका क्या है, अभी आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हमारा रूल क्या था, इफ़ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी पॉप ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड देम टू द आउटपुट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने स्टैक को
एम्प्टी कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे हमारा स्टैक में सिर्फ प्लस बचा था। ओके, तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा पूरा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस को। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपका रिजल्ट है, दिस इज योर रिजल्ट। ओके, दिस इज योर रिजल्ट, फाइन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, राइट। तो इसको इवेल्युएट करते टाइम आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको इवेल्युएशन के टाइम पर समझा दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, सिंबल क्या है, आफ्टर द ऑपरेंड्स है, राइट। तो सबसे पहले हम स्कैन करते हैं, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सिंबल है 30, वो क्या है, एक ऑपरेंड है, ठीक है, उसको स्कैन किया। अब यहाँ पे अगर ऑपरेंड है तो वो कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा। तो हम एक्शन क्या लेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पुश, यहाँ पे हम करेंगे पुश, किसको पुश करेंगे हम 30 को, और 30 कहाँ पुश होगा, हमारा स्टैक के अंदर। ठीक है, अब ये स्टैक का एलिमेंट बन गया 30, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 5 है, 5, तो आप क्या एक्शन लेंगे, आप 5 को पुश करेंगे, पुश 5, राइट। अब आपने स्टैक में क्या पुश कर दिया है, 5 पुश कर दिया है, तो आपके दो एलिमेंट्स आ गए स्टैक के अंदर, 30 एंड 5, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 है, तो आपने 2 को भी क्या किया, पुश किया, पुश 2, 2 को पुश कर दिया आपने, तो आपके स्टैक के एलिमेंट्स आ गए 30, 5 एंड 2, राइट। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, फाइन, ये आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, इसका एक सिंबल ये भी होता है, ठीक है, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, फाइन। जब आपका ऑपरेटर आता है तो आप क्या करोगे, स्टैक के जो अबव टू एलिमेंट्स हैं, राइट, और या फिर ऑपरेंड्स हैं, उनको पॉप कर दोगे। तो अब मैं क्या करूँगी, पॉप कर दूंगी, यहाँ पर पॉप कर दूंगी स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स को, पॉप 5 एंड 2, 5 और 2 को मैं पॉप कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे अब स्टैक में रह गया 30, और आउटपुट में यहाँ पे 5 एंड 2 चले जाएंगे अलोंग विद द एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, तो 5 एक्सपोनेंशिएशन 2, ठीक है, 5 रेज टू पावर ऑफ 2, तो मेरा रिजल्ट आ गया 25। अब जो मेरा 25 आया है वो कहाँ चला जाएगा, वो स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या एक्शन लूंगी, पुश रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या आया, 25 आया है, तो अब वो कहाँ चला जाएगा, वो स्टैक के टॉप पे चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पे है 30 एंड 25। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, 12 है, फाइन, नेक्स्ट आपका 12 है, तो 12 कहाँ चल जाएगा, हमारा स्टैक के टॉप पर, तो हम यहाँ पे करेंगे पुश 12, राइट, पुश 12 करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30, 25 एंड 12। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, 6 है, राइट, नेक्स्ट आपका 6 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 6, राइट। अब हम क्या करेंगे, पुश करेंगे 6 को, पुश 6, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 30, 25, 12 एंड 6, राइट, ये आपकी वैल्यूज आ गई, राइट। अब क्या है, आपका डिवीजन है, डिवीजन ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, तो अबव टू एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, यहाँ पे हम पॉप करेंगे किस किस को, यहाँ पे हम 12 एंड 6 को पॉप कर देंगे स्टैक में से, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टैक में अब रह गया 30 एंड 25, और यहाँ पे आपका 12 जाएगा, 12 ऑपरेटर आपका क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 6, ओके, ये आपका आ गया 2, अब 2 आंसर आया है, ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे, पुश, जो रिजल्ट आया है वो हमारा क्या है, पुश 2, ठीक है, इन द स्टैक, तो स्टैक में अब क्या हो जाएगा, 30, 25, 2, ओके, स्टैक में अब आपका क्या हो गया, 30, 25 एंड 2, राइट। अब देखो क्या है, अब आपका क्या है, ऑपरेटर प्लस, प्लस ऑपरेटर है आपका यहाँ पर, प्लस ऑपरेटर हम करेंगे यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर,
राइट। अब अबव टू जो ऑपरेंड्स हैं ठीक है वो पॉप हो जाएंगे। अब हम पॉप कर देंगे, पॉप करेंगे यहाँ पर किस किस को, 25 को एंड 2 को, राइट। अब यहाँ पे आपका स्टैक में क्या बच गया, 30 बच गया, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, 25, आपका ऑपरेटर कौन सा है, प्लस 2, रिजल्ट आपका क्या है, 27 है, फाइन। अब हम रिजल्ट को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, रिजल्ट हमारा है 27 रिजल्ट है। तो अब आपके स्टैक में आ गया 30 एंड 27, राइट। अब नेक्स्ट हम सिंबल देखेंगे क्या है हमारा, अब है हमारा माइनस यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम अगेन क्या करेंगे, 30 और 27 अब दो ही बच्चे हैं, इनको पॉप करेंगे 30 एंड 27, राइट। तो अब आपका स्टैक हो गया एम्प्टी और यहाँ पे आपका आ गया 30 माइनस 27 इक्वल्स टू 3। तो जो आपका जो 3 आया है अब वो कहाँ चला जाएगा, अब वो पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। तो अब हम पुश करेंगे पुश 3, राइट, और 3 आपका कहाँ जाएगा, स्टैक में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। 3 अब आपका क्या है, आंसर है, और स्टैक का, स्टैक में अब जो एलिमेंट बचा है वो क्या है, 3, ओके। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे स्टैक का, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो आपको यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है जहाँ पे ऑपरेंड देखो स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपके क्या है, ऑपरेंड्स हैं, राइट। ट्रू फॉल्स ये आपके ऑपरेंड है। उसके बाद ऑपरेटर्स है, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, तो ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपको इवेल्युएट करना है, राइट। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट आपका ऑपरेंड है ट्रू, राइट। इसको हम कहाँ करेंगे, इसको हम पुश करेंगे, राइट, पुश कर देंगे ट्रू स्टैक के अंदर। अब स्टैक में क्या आ जाएगा आपका, ट्रू, राइट, ऑपरेंड आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है, फॉल्स स्कैन होगा, राइट। ये कहाँ चला जाएगा, ये स्टैक में चला जाएगा, इसको पुश कर देंगे स्टैक में, फॉल्स, राइट। अब स्टैक में क्या आ गया है आपका, ट्रू एंड फॉल्स, ओके। नेक्स्ट अगेन आपके पास क्या है, ट्रू ऑपरेंड है, ट्रू पुश कर देंगे इसको स्टैक में, ओके। अब स्टैक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू। नाउ नेक्स्ट आपका अगेन ऑपरेंड है फॉल्स, ये हो जाएगा पुश स्टैक में, फॉल्स। अब यहाँ पे क्या एलिमेंट हो जाएंगे आपके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके, ट्रू फॉल्स ये आपके एलिमेंट हो गए, राइट, ओके। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट क्या है, अभी हमने ये ऑपरेंड्स कवर कर लिए, राइट। अब हमारा क्या है, ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर, राइट, NOT नॉट ऑपरेटर। अब जब नॉट ऑपरेटर आएगा, नॉट ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, राइट। ये किस पे वर्क करेगा, ये स्टैक के एक एलिमेंट पे वर्क करेगा, ओके, वन एलिमेंट पे वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप कर देंगे जो उसका सबसे अबव एलिमेंट है, उसको पॉप कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉप फॉल्स, फॉल्स को पॉप कर दिया, राइट। अब स्टैक के पास क्या बचा है, ये 3 एलिमेंट बचे हैं, कंट्रोल वी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट अप्लाई होगा स्टैक के एलिमेंट पे, नॉट फॉल्स, राइट। जब आप नॉट फॉल्स करोगे तो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट क्या करता है, नॉट जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका रिवर्स रिजल्ट आपको देता है। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, अगर ये ट्रू होता तो ये क्या बन जाता, फॉल्स, राइट। नॉट क्या करता है, एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देता है, राइट, एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसको रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट ट्रू, ओके।
नॉट का रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। फाइन, अब जो ट्रू आया है, ट्रू एलिमेंट, ये कहाँ पे जाके ऐड होगा, ये स्टैक के टॉप पे जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुश ट्रू, राइट। पुश कर दोगे आप स्टैक में ट्रू को, तो अब स्टैक के एलिमेंट क्या हो गया आपके, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, राइट। आपने ये वाला ट्रू भी यहाँ पे पुश कर दिया है, फाइन, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट नॉट के बाद कौन सा है आपका, नॉट के बाद है और, ओके, और है हमारे पास और। अब क्या करेंगे हम, स्टैक के दो एलिमेंट्स अबव टू एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। तो आप पॉप करोगे स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स, तो अबव टू क्या है हमारे पास, ट्रू टू है, देखो ट्रू टू दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ओके। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, स्टैक में से बाहर निकालेंगे, राइट, और इनके ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, राइट, इनके ऊपर। अब यहाँ पे हमने पॉप कर दिया, तो अब स्टैक के पास क्या बचा है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। अब देखो ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, और ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट तब देता है जब दोनों में से कोई भी एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है, राइट। दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है तब भी ट्रू रिजल्ट देगा, और ऑपरेटर अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तब भी वो ट्रू देगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, फाइन। अब इस रिजल्ट को हम कहाँ इंसर्ट कर देंगे, स्टैक के टॉप पर, तो इसको कर देंगे पुश ट्रू, राइट, पुश ट्रू किया। तो अब स्टैक के पास कौन कौन से एलिमेंट है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके, थ्री एलिमेंट्स हैं, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और के बाद आपके पास है ट्रू ऑपरेटर, सॉरी ट्रू ऑपरेंड है हमारे पास, यहाँ पर ट्रू ऑपरेंड है, तो यहाँ पे आपने किया ट्रू कहाँ चला जाएगा, पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेंड है, राइट, ट्रू। तो अब स्टैक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये तीन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, इनको ले लेते हैं कंट्रोल वी, और एक ट्रू और हमने पुश कर दिया, राइट, एक ट्रू और पुश कर दिया, फाइन। अब नेक्स्ट देखेंगे, इस ट्रू के बाद आपके पास क्या है, ये ट्रू हमने पुश कर दिया है, अब हमारे पास अगेन और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, राइट। तो और ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, और ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, स्कैन होगा, तो क्या करेंगे हम, स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, ठीक है, पॉप ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, पॉप के अबव टू एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, फाइन। अब स्टैक के पास क्या बचा, दो एलिमेंट्स बचे, ये दो एलिमेंट्स बचे, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, इसको कॉपी कर देते हैं कंट्रोल की, राइट, ये दो एलिमेंट्स बचे हैं। अब जो हमने पॉप किए हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ट्रू और ट्रू, राइट, ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट, ओके। और ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू कब आता है, जब दोनों, या तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, आपके पास रिजल्ट ट्रू आ गया। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या होगा, पॉप के स्टार्टिंग में आप उसको जाके इंसर्ट करोगे, तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे रिजल्ट को, रिजल्ट हमारा क्या आया, ट्रू आया है, ठीक है, रिजल्ट को हम पुश कर देंगे ट्रू, पुश ट्रू। अब आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टैक के अंदर, ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अब अगेन और ऑपरेटर है आपके पास, फिर से और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हम लोग, राइट, अगेन और ऑपरेटर है, और तो क्या करेंगे, स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स लेंगे, राइट, पॉप क्या है आपका, फॉल्स एंड ट्रू,
राइट, फॉल्स एंड ट्रू, दो एलिमेंट्स आपने पॉप कर दिए. फाइन, अब स्टैक के पास क्या बचा है? ट्रू बचा है, राइट. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्रू इसमें से पॉप हो गया एंड देन फॉल्स, ठीक है. तो TRUE ट्रू और फॉल्स इक्वल्स टू क्या आएगा? ट्रू, ठीक है. क्योंकि और के केस में दोनों में से कोई भी ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा. रिजल्ट ट्रू आ गया, फाइन. अब रिजल्ट को कहाँ हम इंसर्ट कर देंगे? स्टैक के टॉप पर. उसके लिए आप क्या करोगे? पुश पुश ट्रू, ट्रू को पुश कर दिया, राइट. अब स्टैक के पास क्या बचा है? ट्रू एंड ट्रू, दो एलिमेंट्स बचे हैं, फाइन. अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है हमारा? ये लास्ट आपका बचा है एंड ऑपरेटर, राइट. ओके, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर. अब आप इसको क्या करोगे? एंड ऑपरेटर पे वर्क करने के लिए आप पॉप के एलिमेंट्स, सॉरी स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करोगे. तो हमारे पास अब स्टैक में दो एलिमेंट्स बचे हैं, ट्रू एंड ट्रू. ओके, दो एलिमेंट्स आपके बचे हैं, ट्रू एंड ट्रू, राइट. स्टैक एम्प्टी है अभी. अब आप क्या करोगे यहाँ पे? ट्रू एंड, एंड ऑपरेटर को अप्लाई करोगे, ट्रू. ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? ट्रू. एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट तभी देता है जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो. तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आ गया, फाइन. अब जो रिजल्ट आया है उसे आप कहाँ इंसर्ट कर दोगे? स्टैक के टॉप पर. तो यहाँ पे हम कर देंगे पुश ट्रू. ओके, तो अब आपके स्टैक में क्या लास्ट एलिमेंट रह गया? ट्रू. ओके, एंड दिस ट्रू इज योर आंसर. ये जो आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन था उसका आंसर क्या है? ट्रू है. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.